बैटिंग अच्छा है, बैटिंग कर लेगा इंडिया मुझे मालूम है, लेकिन बॉलिंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो बॉलिंग के ऊपर स्पेशली रविंद्र जाडेजा फिर रविचंद्र अश्विन, ये दोनों का रोल बहुत अहम होता है। आपको लगता है भाई कौन सा फील्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए इंडिया को ताकि हम मैच जीत सके, कौन सा एरिया को, बैटिंग या फिर बॉलिंग? बैटिंग में, बैटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है कि कौन सा एरिया के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, ताकि ऑस्ट्रेलिया है बहुत बड़ी स्ट्रांग टीम है, तो उसके अगेंस्ट जितना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये बहुत बड़ी टारगेट है, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से प्लेयर का ज्यादा अहम रोल निभाना चाहिए, विराट कोहली और कौन? जैसे कि विराट कोहली का भी रन चाहिए तो रोहित शर्मा का भी रन चाहिए कुछ। अश्विनी है वो अच्छा बोले थे, बिल्कुल जाडेजा भी फील्डर, फील्डिंग भी अच्छा करता है, बॉलिंग भी अच्छा करता है, उनका खेलने का स्पिरिट भी अच्छा है, वो हो जाएगा जी। क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया जैसे एक स्ट्रांग टीम इंडिया को इतना आसान होगा ये मैच जीतने का? जी हाँ, ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा, ओवल ग्राउंड में इंडिया अभी तक फिलहाल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है ओवल ग्राउंड में, और सारे के सारे प्लेयर्स मतलब पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया हर डिपार्टमेंट में बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा फॉर्म है। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, मैं रश्मिरंजन आपका भाई आप सबको आपके चैनल मैच ऑन नेशन टीवी पर दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आपको सबको पता ही होगा हाल ही में इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पोजीशन कंफर्म किया है, और ये मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बीच में होने वाला है जून 7 में। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए और बीसीसीआई के लिए। इसके ऊपर आज का इंडियन क्रिकेट फैन क्या रिएक्शन रखते हैं और पूरा इंडियन पब्लिक का जो ओपिनियन है इस वीडियो में हम देखेंगे, और मेरा जो पर्सनल कमेंट है मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद में। टॉपिक जो आज का मेन मुद्दा है हमारा ये, आपको लगता है कि इंडिया जो फाइनल में गया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेगा, तो इतना आसान होगा इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना? आसान तो नहीं होगा, लेकिन वो ओवल में खेला जाएगा, वो क्लाइमेट थोड़ा अलग है। इंडिया का क्लाइमेट और वो क्लाइमेट थोड़ा अलग है, लेकिन हम तो हरदम सपोर्ट करेगा, लेकिन हम इंडियन है तो इंडियन को सपोर्ट करेगा। आपको लगता है किस एरिया के ऊपर थोड़ा इंडिया को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे जो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है हम जीत पाए, बॉलिंग के ऊपर, बैटिंग के ऊपर या फिर फील्डिंग के ऊपर, किस एरिया को ज़्यादा फोकस देना चाहिए? बैटिंग अच्छा है, बैटिंग कर लेगा इंडिया मुझे मालूम है, लेकिन बॉलिंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो बॉलिंग के ऊपर स्पेशली रविंद्र जाडेजा फिर रविचंद्र अश्विन, ये दोनों का रोल बहुत अहम होता है, तो उनके अलावा और किसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं इस मैच में? इंडिया में वो मोहम्मद शमी या फिर नहीं, वो इंडिया में स्पिनर का काम ज़्यादा होता है। तो हमारा जो फाइनल है ऑस्ट्रेलिया के साथ, अगर कोई भी न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका होता तो अलग बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है, उसके अगेंस्ट फाइनल खेलना यह बहुत बड़ी चुनौती है इंडिया के लिए। तो आपको लगता है ये मैच बहुत आसान होगा इंडिया के लिए? तो इंडिया जीतेगा, मुझे जीतेगा। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर जीतना है तो ऑस्ट्रेलिया को किस फील्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बैटिंग के ऊपर या फिर बॉलिंग के ऊपर? ऑस्ट्रेलिया अच्छा टीम है, के बारे में नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम होगा हाल ही में इंडिया फाइनल में खेलेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो ये बहुत बड़ी बात है बीसीसीआई के लिए और पूरा इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। आपको कितना एक्साइटमेंट है और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इंडिया किस लेवल पर परफॉर्मेंस देगा फाइनल में? जी हाँ, बहुत खुशी है हम लोग, क्योंकि सेकंड टाइम इंडिया फाइनल में पहुंचे। बिल्कुल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहा था इंडिया, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा था, इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, और इस ऑस्ट्रेलिया भी इस बार 2-1 से हार गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जैसे एक स्ट्रांग टीम इंडिया को इतना आसान होगा ये मैच जीतने का? जी हाँ, ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा, ओवल ग्राउंड में इंडिया अभी तक फिलहाल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है ओवल ग्राउंड में, और सारे के सारे प्लेयर्स मतलब पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया हर डिपार्टमेंट में बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा फॉर्म है, तो आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते, लेकिन दूसरे साइड में अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत बड़ी मजबूत टीम है, तो हो सकता है उनका भी कोई बैट्समैन बॉलर फॉर्म में आ जाए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, बहुत बढ़िया खेलता है, मगर वो इंडिया के पास शुभमन गिल है, केएल राहुल है, रोहित शर्मा है, चेतेश्वर पुजारा है, विराट कोहली जो कि किंग कोहली के नाम जाने जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर, उसी के साथ मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल, सर रविंद्र जाडेजा, बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि बढ़िया फॉर्म में हैं अभी तक। ऑस्ट्रेलिया में हराया था, ऑस्ट्रेलिया में जाकर गाबा के ग्राउंड में, तो पूरा का पूरा आपका ये कहना है कि इंडिया जरूर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस साल जरूर जीतेगा? जी हाँ, जरूर खेलेगा, मतलब वो चयन नहीं कर पाए, वो जेले से फील करे, तो इसके ऊपर आपका विचार क्या, क्या पाकिस्तान क्रिकेट फैन को ऐसा सोचना चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए? जी हाँ, वो तो हमारा प्रारंभिक प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान, और क्यों ना वो जेलसी फील करेगा, ऑस्ट्रेलिया को उनके ग्राउंड में बुलाता है फिर भी वो हार जाते हैं, स्पिन ट्रैक बनाते हैं, वो उनका स्पिनर जैसे कि नवाज
और मोहम्मद रिजवान जैसे कि विकेट कीपर बल्लेबाज वो सारे फ्लॉप है। तो भाई का कहना ये कि जो ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई भी टीम पाकिस्तान जाता है खेलने के लिए तो वो वहाँ पे उनको हरा के आते हैं, लेकिन इंडिया में अगर कोई आता है तो इंडिया जरूर उनको हराता है। तो बता दो मतलब कौन सा प्लेयर के ऊपर आपका ज़्यादा भरोसा है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, कौन अच्छा? मेरा तो फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, विराट कोहली भी अच्छा खेलता है वो हो जाएगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली सब अच्छा खेलता है। अच्छा खेले तो बॉलिंग के डिपार्टमेंट में अगर हम देखें रविंद्र जाडेजा या फिर रविचंद्र अश्विन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रखा है वो पिछले कुछ मैचों में, तो आपको क्या लगता है ये जो फाइनल मैच में उनका भी रोल बहुत अहम है ना, तो उनको क्या कैसे प्रेशर में वो क्या खेलेंगे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अश्विन है वो अच्छा बोले थे, बिल्कुल जाडेजा भी फील्डर फील्डिंग भी अच्छा करता है, बॉलिंग भी अच्छा करता है, उनका खेलने का स्पिरिट भी अच्छा है, हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल मैच खेलना ये बहुत बड़ी प्रेशर का बात है, आपको नहीं लगता कि इतना आसान होने वाला है? नहीं आसान तो नहीं होगा, लेकिन सब प्लेयर को मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना से वो जीत जाएंगे तो आज क्रिकेट फैन आपको कैसा लग रहा है, खुशी लग रहा है इंडिया बहुत दिनों के बाद फाइनल में गया है? तो अच्छा बात है, खुशी लग रहा है, आपको खुशी लग रहा है? एंजॉय करेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम पाकिस्तान के बारे में देखें तो पाकिस्तान में जब पता चला कि इंडिया ने फाइनल खेलने के लिए सिलेक्ट हो गया तो पाकिस्तान में बहुत मतलब उनको जेलस फील हुआ या फिर कुछ अलग सा महसूस होने लगा, तो यह एज ए क्रिकेट फैन ऐसा फीलिंग होना चाहिए या फिर सपोर्ट करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, ये तो हो रहा है क्या, पाकिस्तान हमारा वो एंटीबॉडी है, वो तो फीलिंग करेंगे फिर भी क्रिकेट फैन के हिसाब से सपोर्ट करना चाहिए। क्रिकेट एक मैंने इज्जतदार खेल है, बिल्कुल क्रिकेट ऐसा खेल है कि वो इज्जतदार खेल है, वो कोई ऐसा वैसा खेल नहीं कि उसे सब तो रिलीजन पार्टी ये सब बाद में, लेकिन क्रिकेट का स्पिरिट जो अलग लेवल का होता है तो उसमें कोई मजहब या फिर कोई कास्ट ऐसा कोई दिखाई नहीं देता, बस तो बॉलिंग के बारे में हो गया। तो बैटिंग के ऊपर हम किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं? देखिए कोहली का भी रिसेंटली 150 कुछ लगा है, बहुत अच्छा फॉर्म में है और वो रिटर्न किए वो डेडिकेट किए अनुष्का को वो 100। तो आपको लगता है कि मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर दोनों में कोई एक भी सेट हो जाए तो ये भी टेस्ट का फाइनल हम भी जीत सकते हैं? और आपको पता है बहुत दिनों के बाद इंडिया ने फाइनल में आया ये जो टेस्ट चैंपियनशिप का, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आज क्रिकेट फैन आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं इंडियन हूँ, और ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि पिछले बार जो हुआ था न्यूजीलैंड और इंडिया का भी WTC फाइनल हुआ था, तो इस बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी लिया है तो देखते हैं, आई होप इंडिया जाएगा फाइनल और अच्छा करेगा। ये इंडियन के लिए और इंडियन फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमको खुशी लगता है, लेकिन ये बात जब पाकिस्तान में पता चला तो पाकिस्तान मीडिया में ये जैसे भूकंप होने वाला है सिचुएशन पैदा हो गया, तो उनको फीलिंग हो रहा है कि इंडिया कैसे फाइनल आ गया, तो उनको ये सहन नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर आपका बयान क्या रहेगा कि पाकिस्तान को ऐसा फील करना चाहिए या फिर सपोर्ट करना चाहिए? नहीं नहीं देखिए पाकिस्तान को ऐसा फील नहीं करना चाहिए, उनके भी अच्छा अच्छा खासा प्लेयर है, अपने भी फॉर्म में है, जैसे विराट कोहली अभी 100 रन किया है, तो उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में है, तो और इंडिया के बॉलर भी कुछ भी फॉर्म में है जैसे कि मोहम्मद शमी और बिल्कुल आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, इंडिया के सारे खिलाड़ी बॉलर बैट्समैन सारे के सारे फॉर्म है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैन और बॉलर सारे के सारे बहुत अच्छी फॉर्म है, तो ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच खेलना ये बहुत बड़ा टारगेट और बहुत बड़ी प्रेशर का मैच है, आपको लगता है कि ये बहुत आसान होने वाला है इंडिया के लिए? नहीं तो आसान तो कभी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी इतना छोटा हम समझ नहीं सकते, वो भी क्रिकेट का बादशाह माना जाता है। भाई हमारा आज का जो टॉपिक हमने रखा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को चुना गया है फाइनल खेलने के लिए, तो आपका कौन सा टीम लगता है कि फाइनल जरूर विन करेगा? जी हाँ मैं तो पहले से ही बता दिया हूँ कि इंडिया फाइनल में इस बार दोबारा पहुँचा है, और इंडिया ही जीतेगा। आपको लगता है भाई कौन सा फील्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इंडिया को ताकि हम मैच जीत सके, कौन सा एरिया को, बैटिंग या फिर बॉलिंग? बैटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है कि कौन सा एरिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को ताकि ऑस्ट्रेलिया भी जीत सके? हम बस फैन है भाई, देखो हमको बायस नहीं होना चाहिए, जो अच्छा खेलेगा हम उसका फैन, क्रिकेट का ऐसा गेम है किसका मतलब हम सपोर्ट और किसका नहीं, जो अच्छा खेलेगा क्रिकेटर को मतलब आपको टैलेंट को हम सपोर्ट करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसा कौन सा बैट्समैन अच्छा लगता है जो आपको लगता है कि मैच जीता सकते हैं, डेविड वार्नर और कोई और? डेविड वार्नर भाई का कहना है कि डेविड वार्नर जरूर अच्छा खेलेगा ताकि हम, तो कुल मिला के भाई आपको कहना है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फाइनल है तो इंडिया जीतने का चांसेस 100% भाई आपको लगता है? 90%। तो फाइनली क्या मैसेज देना चाहे हो हमारा प्लेयर को, टीम 11 को, मतलब प्लेइंग 11 को क्या मैसेज देना चाहते हो कि अगर ये फाइनल जीतना है तो? जी हाँ फाइनल मैच है तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और उसके साथ जो अश्विनी और जाडेजा उनको भी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, ये जो पांचों प्लेयर्स है उनको खेलना पड़ेगा।
और उसी के साथ जो मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जैसे कि फिलहाल 16 का टीम है, मतलब पूरा का पूरा हर डिपार्टमेंट का हर सेक्टर के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत बड़ी चुनौती भरा मैच है। तो एक साथ मेरे साथ बोलो इंडिया 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 इंडिया। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, को पता चल गया होगा कि इंडियन फैंस, इंडियन क्रिकेट फैंस क्या चाहते, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फाइनल होने वाला है कौन विन करेगा। ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया इंडियन फैंस का वॉयस। तो आपका अगर कोई पर्सनल कमेंट है वीडियो के नीचे बता सकते हैं, और मेरा जो कमेंट है जैसे मैंने बताया था, मेरा भी उम्मीद यही है इंडिया जरूर जीतेगा, क्योंकि इंडिया का हर सेक्टर, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर सेक्टर इंडिया बहुत स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया। तो फिर मिलेंगे एक नए के कंटेंट के साथ, नए के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।